हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर किचन ब्लॉग। होप्स हो गए आप सारे के सारे ठीक होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं प्याज की स्पेशल सी चटनी। आपने पहले कभी नहीं खाई होगी और इस तरह से बनाएंगे तो ये फटाफट से बनके तैयार हो जाएगी और आपको पसंद भी काफ़ी आएगी। तो देखिए, मैंने छोटे साइज के प्याज लिए हैं, इनको पील ऑफ कर लेंगे। पील ऑफ करने के बाद इसको 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने से क्या होगा, इनका चरचराहट दूर हो जाएगा, डस्ट वगैरह होगी वो भी अच्छे से धुल जाएगी। तो प्याज को मैंने अच्छे से धो लिया, अब इसको एक बर्तन में डाल लेंगे। बर्तन में डालने के बाद इसको हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं इसमें। तो इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे नमक और डाल देंगे कलौंजी, और उसके ऊपर डाल देंगे 1 चम्मच सरसों का तेल, या इन्हें अनियन सीड भी बोलते हैं जो हम अचार वगैरह में यूज़ करते हैं। सरसों का तेल डालने के बाद एक बार इस बर्तन को हिला लेंगे ताकि जो मसाले हैं प्याज के ऊपर अच्छे से लिपट जाएं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपके घर में सब्जी ना हो तो भी बना सकते, क्योंकि प्याज तो सबके घरों में होती है। तो इधर मैंने गैस पे एक भगोना रख दिया है, इसमें डाल दिया 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग और 1 चम्मच जीरा। तो देखिए, हींग और जीरा हमारा अच्छे अच्छे टकने लगा है, तो इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर देंगे। इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। अब ऊपर से डाल देंगे जो हमने प्याज मसाले लगा के रखी थी, उनको कर लेते हैं मिक्स। मिक्स करने के बाद इसमें हमने 1/2 चम्मच पानी डाल देना है और गैस को कर देंगे मीडियम टू स्लो। एक बार इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको ढककर हमने 2 से 3 मिनट तक पका लेना है धीमी गैस पे। आपको गर्मियों में ये चटनी बना के खानी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में प्याज ठंडी भी होती है और हमें लू लगने से भी बचाती है। तो इसको ढक के 2-3 मिनट हो चुके, एक बार इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए, मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, उसका तेल भी छोड़ दिया है। इसे 2 से 3 मिनट और पका लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाए। टोटल हमने इसको 5 मिनट तक पकाना है धीमी गैस पे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो लीजिए, तैयार है हमारी प्याज की चटपटी सी चटनी, जो खाने में काफ़ी टेस्टी। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इन्हें पूड़ी के साथ, कचौरी के साथ, पराठों के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। ऐसे भी खाने में काफ़ी टेस्टी लगेंगे। एक बार आपने इसे बना के खा लिया तो बार बार खाने और बनाने का मन करेगा। तो ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें, हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। तो देखिए, बिल्कुल अंदर से प्याज हमारी गल चुकी है। देखिए, मैं फोक से उठा के दिखाती हूँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।